हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। आप सबका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। कल है भज्जी अमावस्या। कर्नाटक में इस दिन भजी बनाई जाती है और ये भजी में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इस महीने में पूरे भरपूर मात्रा में आते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी भजी रेडी हो गई है। तो कैसे बनती है ये भजी, तो चलिए देखते हैं। इसमें होते हैं भरपूर मात्रा में वेजीज और सभी नट्स जो इस महीने में खास तौर पर दिसंबर महीने में भरपूर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिच यानी कि पालक, फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी, प्रियोनियन लीव्स यानी कि प्याज की फ्रेश पत्ती, उसके साथ साथ सोया। ये देखिए यहाँ पे पूरे मैंने फाइनली चॉपिंग की है। सबसे पहले वॉश किया है, उसके बाद मैंने चॉपिंग किया है। कैरेट रफली चॉप किया है, कैरेट को थोड़े से मीडियम पीसेस में। उसके बाद आता है ग्राउंड नट, के बाद तुअर, और ये है ग्रीन ग्राम, और ये बल्लर यानी कि बीन्स, और ये ग्रीन पीस। सभी चीज़ें अच्छे से वॉश करके लिया है मैंने। और ये है तुअर की दाल, हरी मिर्च का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट, और ये है मूली यानी कि रेडिश। और बैंगन को मैंने यानी कि ब्रिंजल को एक ही लिया है मैंने, बहुत ही कम मात्रा में लिया है। बैंगन इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते, उसके वजह से मैंने थोड़ा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बनती है भजी। तो इस तरीके से ये भजी कितनी पौष्टिक होगी आप ही सोच सकते हैं। हमेशा तो हम डेली एक ही सब्जी यूज़ करते हैं, लेकिन इतने सारे सब्जियाँ यूज़ करके ये भजी बनती है तो बहुत ही पौष्टिक होगी। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये भजी की रेसिपी जो है मेरे मदर इन लॉ ने मुझे सिखाई है। तो हर किसी की रेसिपी बनाने की जो टेक्निक होती है, मतलब जो तरीका होता है, डिफरेंट हो सकता है। ये मेरे मदर इन लॉ की टेक्निक है। ये टाइप से मेरी मदर इन लॉ भजी बनाती थी, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। इतनी यमी भजी बनाती थी मेरी मदर इन लॉ, बहुत ही टेस्टी। हमारे महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है भजी, लेकिन महाराष्ट्र की जो बनाने की एक विधि होती है बहुत ही डिफरेंट होती है, और कर्नाटक की भी एक अलग टाइप से ये भजी बनाई जाती है। तो सबसे पहले तुअर दाल को हम वॉश कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसे 4 से 5 विजिल आने तक कुक कर लेंगे। तो ये कुक होने तक हम हरी टैमरिंड यानी कि हरी इमली को हम पानी डाल के उबाल लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये उबलने के बाद हाथ से आसानी से मैश हो जाती है, और हम इसे हाथ से भी मैश करेंगे, उसके साथ साथ मैशर से भी मैश कर देंगे। तो ये इमली का ये पल्प रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने गार्लिक को अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है और ऑयल गरम करने को रख दिया है। ऑयल गरम होने के बाद डाल दिया है राई और जीरा। गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हम डालेंगे इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक। तड़का लगाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, भजी के ऊपर जाता है गार्लिक का तड़का। तो ये लिया है मैंने 1 कप बेसन। बेसन इसलिए भूनना है हमें ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर होता है हमारे भजी में ना आए। अगर आप बेसन को भून के लेंगे तो इसका रॉ फ्लेवर चला जाएगा और भजी का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये बेसन भून चुका है और ये देखिए इमली भी अच्छे से गल गई है। तो ये बेसन को अब हम ठंडा होने देंगे, और बेसन जब ठंडा होता है तब हम इसका पानी डाल के एक पतला सा घोल बना लेंगे, ताकि हमें थिक कंसिस्टेंसी लाने के लिए, भजी को थिक कंसिस्टेंसी लाने के लिए बेसन की आवश्यकता है। अगर आप बेसन नहीं डालोगे इसमें तो भजी की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होगी। वाओ, हमारा तड़का भी रेडी हो गया है। मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हरी धनिया, ताकि इसकी जो टेस्ट है, तड़के की टेस्ट, हमारे भजी को सुपर टेस्टी बना सके। हरी धनिया को भी थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक हमें भून लेना है, ताकि वो नरम ना गिरे।
दोनों भी एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ठंडा होने के बाद। अभी गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए यहाँ पे इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है और ये बेसन का घोल बना लिया है। गार्लिक का जो हमने तड़का बना लिया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने इसे साइड में निकाल के रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, भजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में सभी दाने को कुक कर लेंगे। दो विजिल आने तक हमें कुक कर लेना है। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है मटर, उसके बाद एक एक करके सभी मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते जाऊंगी और दो विजिल आने तक हमें इसे कुक करना है। सबसे लास्ट में थोड़ा सा पानी डालेंगे और दो विजिल आने तक इसे कुक कर देंगे। सब्जियां हमें चुस्त तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने में उपयोगी होती है, साथ ही वेजिटेबल्स में प्रोटीन, विटामिन्स और अन्य पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स की खान होती है, यानी कि स्रोत होती है। सब्जियों में पोटेशियम और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। जड़ वाली सब्जी, बीज वाली सब्जी, फूल वाली सब्जी, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, इन सभी सब्जियों को खाने के अलग अलग लाभ होते हैं। ये सभी सब्जियाँ विटामिन से भरपूर होती है। इतना ही नहीं है, हमें हर बीमारी से दूर रखती है और ये हर बीमारी के ऊपर रामबाण है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट बैच मैं कुक कर रही हूँ, जितने भी सब्जियाँ रह गए हैं उतने मैं इसमें डालूंगी और इसे दो विजिल आने तक कुक कर लूंगी। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप एक ही बार कुक कर सकते हो, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम हो तो। मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, सबके लिए बनाना है ना, उसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये मैंने 3 बैचेस में कुक कर लिया है। तो अगर एक बैच में आप कुक करना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे लास्ट में तुअर दाल डालना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी और हल्दी डाल के सभी दाने को डालना है और उसके बाद ग्रीन वेजीज को, और उसे 4 से 5 विजिल आने दीजिए। हो गए पूरे इंग्रेडिएंट्स एक ही बैच में कुक। तो ये देखिए पूरे सब्जियां, दाने, दाल और यहाँ पे इमली का पल्प, तड़का और ये देखिए बेसन का घोल। ये सभी हमारे जो भजी के पहले की प्रिपरेशन होती है सभी समाप्त हो गई है। तो अब करते हैं भजी बनाने की शुरुआत। आप बोलेंगे फ्रेंड्स ये क्या था, तो ये भजी बनाने की पहले की प्रिपरेशन थी। उससे पहले भी बहुत सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है हमें, सभी चीज़ों को अच्छे से सॉर्टिंग करके, क्लीन करके, कट करना पड़ता है, उसके बाद ही भजी, टेस्टी भजी खाने को मिलती है ना हमें। तो चलो अब हम एक बड़े से बर्तन में डालेंगे ऑयल। ये 250 ml ऑयल है, भजी में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके वजह से मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है, लेकिन हमेशा के तौर पे मैं ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ। मतलब डेली मेरा ऑयल हर सब्जी में, मतलब हर दाल हो या सब्जी हो, मैं ऑयल की क्वांटिटी कम ही रखती हूँ। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, डाल दिया है मैंने राई को। राई अच्छे से होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे जीरा, ताकि इसका जो फ्लेवर है हमारे भजी में अच्छे से आ सके। राई अच्छे से हो गई ना फ्रेंड्स, तो हमारा तड़का है परफेक्ट हो जाता है। तो हर एक रेसिपी में आप ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक तड़का अगर आपका परफेक्ट है तो आपकी जो तड़के के बाद की रेसिपी है ना परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट। मैंने ये नमक और हल्दी डाल के ये पेस्ट बनाया है ताकि हम इसे अच्छे से स्टोर कर सकें। ये गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें भूनने के बाद ही इसका जो फ्लेवर है वो हमारे भजी में उतर जाएगा। तो ये देखिए इसके बाद ये जाएगा जिंजर का पेस्ट। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है,
ये मैंने सिर्फ भजी के लिए स्पेशल बनाया था। देखिए इसमें अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही भून लेना है और हर एक इंग्रेडिएंट को ऑयल छूटने तक हमें इसे भूनना है ताकि ऑयल इससे सेपरेट होने के बाद ही नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा चिली का पेस्ट, यानी कि हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट हो या जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो, सभी फ्रेश है, ये खास भजी के लिए ही बने हैं। अब देख सकते हैं ऑयल छूटने के बाद ही हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है। ये सभी पेस्ट को हमें चलाते हुए ही भूनना है ताकि ये ना जले। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये जल जाएंगे, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और ये सभी पेस्ट जलने के चांसेस 100% होते हैं। उसके वजह से ये हमें हिलाते हुए ही भूनना है। वाओ, ये तीनों पेस्ट मिक्स करने के बाद इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसे भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। 2 टेबलस्पून हल्दी मैंने इसमें डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका भी कलर परफेक्ट येलो हो सके। और अभी हम डालेंगे इसमें सभी वेजीज और दाल, एक एक करके हमें धीरे से इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। सभी डालने के बाद मिक्स मत करिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके डाल के मिक्स करते जाइएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। अच्छे से मिक्स करना है हमें। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है अभी से हमारी भजी। अब इसमें सभी एक एक करके इंग्रेडिएंट्स आते जाएंगे और हमारी भजी प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे कुक्ड दाल। तुअर दाल को हमने जो कुक कर लिया था वो दाल मैंने इसमें डाल दी है। दाल को इसलिए डालना है हमें, अगर आप इसमें दाल नहीं डालोगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी मतलब सेपरेट सेपरेट दिखेगी आपके हर एक वेजीज। अभी भी हमारी भजी एक जू नहीं हो गई है, मतलब ठीक कंसिस्टेंसी में नहीं आई है। हमें इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट ठीक कंसिस्टेंसी में आ सके। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे बेसन का घोल, जो बेसन हमने भून कर लिया था और उसका एक घोल बना लिया था। इसमें डालने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना परफेक्ट आ गई है, और थोड़ी देर के बाद ये घोल ये भजी को थिक बनाएगा और एक जू बनाएगा सभी इंग्रेडिएंट्स को। कुक्ड तुअर दाल और बेसन का घोल डालने का एक ही कारण है कि भजी को थिक कंसिस्टेंसी में लाने के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है। तो अब डाला है मैंने इमली का पल्प, सबसे लास्ट में जाता है इमली का पल्प, और इसे अभी अच्छे से पकने देना है। उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है और सबसे लास्ट में डालेंगे नमक। अच्छे से पकने के बाद ही नमक डालिएगा फ्रेंड्स। तो अब हो गई है हमारी भजी रेडी, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है और सभी इंग्रेडिएंट्स एक जीव हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी आपको सेपरेट सेपरेट वेजीज नहीं दिखेंगे, जो हमने बेसन का घोल डाला है और कुक्ड तुअर दाल डाली है उसके वजह से हमारी भजी परफेक्ट हो गई है। बहुत से लोग इसमें नहीं डालते कुक्ड तुअर दाल, तो उनकी भजी थोड़ी सी सेपरेट सेपरेट दिखती है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर के पूरे सेपरेट दिखते हैं। तो अब हम करेंगे प्लेटिंग। वाओ सुपर, ये तड़के के वजह से भजी का स्वाद तो लाजवाब आने वाला है। गार्लिक का तड़का भजी के ऊपर, और ये कल हम ये भजी को एंजॉय करेंगे रोटी के साथ। और भी बहुत सारे व्यंजन होंगे, ये सिर्फ भजी ही नहीं होती फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बहुत सारे व्यंजन होते हैं। बटर मिल्क, तिल और गुड़ की पोली, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ग्राउंडनट की पोली, ये सभी व्यंजन आज के दिन खास तौर पे बनाए जाते हैं। हमारी भजी तो रेडी हो गई है, आप कब बना रहे हैं भजी? बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की भजी की रेसिपी कैसी लगी।
और मेरे चैनल यानी कि ओजूज लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।